y no nos vamos a esconder. ¡Posiciones! Eso es liar la partísima, ¿no? Nunca se ha liado tan parda. स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मनी हाइस्ट सीजन 3 का एपिसोड नंबर 1। यदि आपने सीजन 1 और 2 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो बिना देर किए हुए चलते हैं वीडियो की। सीजन 3 की शुरुआत होती है आर्तुरो से। वह हमें एक भीड़ में लोगों को ऑटोग्राफ और सेल्फी देते हुए दिखाई देता है, क्योंकि अब वह बंदा एक नामचीन हस्ती बन चुका था। उसके इतना पॉपुलर होने के कारण वह चोरी थी, क्योंकि उस चोरी के दौरान उसने काफ़ी होस्टेजों को रॉयल मिंट ऑफ स्पेन से बाहर निकाला था। वह लोगों के बीच खड़े होकर अपनी तारीफों का पुल बांधना शुरू कर देता है। वह कहता है कि मैंने अपनी हिम्मत के बल पर उन मुट्ठी भर चोरों के सामने घुटने नहीं टेके और आज आप लोगों के सामने हीरो बनकर खड़ा हूँ। और प्रोफेसर और उसके आदमी अभी भी किसी बिल में दुबके पड़े हैं। मगर असल बात तो कुछ और ही होती है, क्योंकि प्रोफेसर के आदमी अपनी अपनी दुनिया खुलकर जी रहे होते हैं, जैसे कि रियो, टोक्यो, पनामा के गुनियाना आइसलैंड पर मस्ती करते नजर आते हैं, हेलसिंकी और नैरोबी अर्जेंटीना में पार्टी कर रहे होते हैं, डेनवर और मोनिका अपने बच्चे के साथ इंडोनेशिया में होते हैं। वेल, इसका मतलब ये कि प्रोफेसर के सारे आदमी अपनी अपनी सपनों की दुनिया खुलकर जी रहे होते हैं, पर शायद उन्हें नहीं पता था कि उनकी एक छोटी सी गलती से उनकी सपनों की दुनिया उजड़ने वाली थी। चोरी के बाद प्रोफेसर ने अपनी टीम को एक सख्त वार्निंग देते हुए कहा था कि कुछ साल तक कोई भी किसी तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस यूज नहीं करेगा। चोरी के कुल 2 साल बीत चुके थे। टोक्यो डिसाइड करती है कि वो इस आइलैंड की शांति से दूर शोर शराबे वाली दुनिया में जाना चाहती है, इसलिए रियो उसे एक अनरजिस्टर्ड सैटेलाइट फोन देता है जो कि उसने ब्लैक मार्केट से खरीदा होता है। वो टोक्यो से कहता है कि हर तीसरे दिन शाम को 6 बजे इसे 5 मिनट के लिए ऑन करना और यदि जवाब न मिले तो 5 मिनट के बाद बंद कर देना। वो टोक्यो शहर पहुंचकर अपनी रंगीन दुनिया में इतना खो जाती है कि उसे फोन करना भी याद नहीं रहता, इसलिए रियो सैटेलाइट फोन को ऑन कर टोक्यो को कॉल करने की कोशिश करता है और यही होती है इनकी गलती। 5 मिनट से ज्यादा फोन ऑन रहने के दौरान यूरोपोल वालों को उन दोनों के लोकेशन का पता चल जाता है और पनामा पुलिस लोकेशन को ट्रेस करते हुए रियो को पकड़ लेते हैं, पर टोक्यो किसी तरह समय रहते वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। तभी फिल्म के फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि प्रोफेसर अपने टीम को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा होता है। वह कहता है कि हम बच तो गए हैं, पर अब आती है असली जरूरी चीज कि सर्वाइव कैसे करना है। इसलिए प्रोफेसर सभी को एक खास फाइल देता है, उसके अनुसार उस फाइल में सर्वाइव करने के सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई अकेले पड़ जाए तो उस फाइल के थ्रू प्रोफेसर से वो हो सके। इसलिए टोक्यो उस क्रिटिकल सिचुएशन में प्रोफेसर को कॉल करती है और सारी बातें बताती है। फिर प्रोफेसर अपना ट्रांसपोर्टर भेजकर टोक्यो को अपने पास थाईलैंड बुलाता है। थाईलैंड पहुंचकर टोक्यो प्रोफेसर से पूछती है कि आखिर रियो जब पकड़ा गया तो यह खबर न्यूज चैनल पर क्यों नहीं दिखाया गया। फिर रकेल, जो कि प्रोफेसर के साथ ही रह रही होती है, कहती है कि उसे जरूर पुलिस टॉर्चर कर रही होगी, क्योंकि जब जुर्म बहुत बड़ा होता है तो दुनिया का हर आजाद देश पर्दे के पीछे ऐसा घटिया खेल तो खेलता ही है और शायद कुछ ऐसा ही हो रहा था रियो के साथ। पुलिस उसके साथ बुरी तरह टॉर्चर कर रही होती है। फिर प्रोफेसर अपने टीम को इकट्ठा करता है और सारे लोग ये डिसाइड करते हैं कि वे लोग रियो को छुरा कर लाएंगे। और टोक्यो पूछती है कि आखिर कैसे। प्रोफेसर उसे बताता है कि जिसमें हम माहिर हैं, चोरी करके। वह कहता है कि इस बार की चोरी हम छुपके नहीं करेंगे और गवर्नमेंट को सीधा टक्कर देंगे, क्योंकि इस बार की चोरी सदी की सबसे बड़ी चोरी होने वाली है। प्लान के अनुसार वे लोग बैंक ऑफ स्पेन से करीब 90 टन सोना चुराने वाले थे और दरअसल ये चोरी का प्लान प्रोफेसर के बड़े भाई बर्लिन का था, जिसे उसने रॉयल मिंट ऑफ स्पेन के चोरी के पहले ही बनाया था। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि कहानी में कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि पैलेरेमो, जो कि बर्लिन का करीबी दोस्त होता है और बैंक ऑफ स्पेन में चोरी करने का प्लान बर्लिन ने अपने इसी दोस्त के साथ मिलकर बनाया था, इसलिए पैलेरेमो को इस चोरी का इंचार्ज बनाया जाता है। दूसरा कैरेक्टर होता है वोगोटा, जो कि स्किल्ड डाइवर और अंडरवाटर वेल्डर होता है, जिसे प्रोफेसर ने खास इसी काम के लिए चुना होता है। तीसरा कैरेक्टर होता है मर्सेल, जो कि प्रोफेसर के द्वारा चुना हुआ खास आदमी होता है। प्रोफेसर अपनी टीम की ट्रेनिंग को शुरू करता है और चोरी एक्सिक्यूट करने के सारे तरीकों को अपनी टीम को बताता है कि कैसे हमें उस चोरी को एक परफेक्ट चोरी बनाना है। प्लान के मुताबिक प्रोफेसर आसमान से मैड्रिड में करीबन 140 मिलियन यूरोज की बारिश करवाता है। इतने सारे पैसे की बारिश देखकर सड़कों पर लोग इकट्ठा होकर उस पैसे को लूटने लगते हैं और यही होता है उनके फिर से लौटने का धमाकेदार एंट्री। और इसी के साथ खत्म होता है सीजन 3 का एपिसोड 1। आगे प्रोफेसर की टीम आखिर किस तरह बैंक ऑफ स्पेन में घुसने में कामयाब होती है, ये आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। इसलिए यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि मैं आपके सामने जल्द ही बाकी एपिसोड की वीडियोस लाने वाला हूं। यदि आपने मनी हाइस्ट का पहला और दूसरा सीजन नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और यदि कोई सजेशन हो तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं आपके सामने और बेहतर वीडियोस ला सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।